ये सर आपने ग्राफ्टिंग किया है कुछ वैरायटियों पर? यहाँ पे सैकुलेंट की वैरायटी है, ड्रैगन फ्रूट, वेरीगेटेड का रबर प्लांट का बोनसाई बना रहे हैं सर। ये वेरीगेटेड वैरायटी है। ये नोवा तंजानिया की वैरायटी, सर ने ग्राफ करके बनाया है इसको। ये S019 वाइट विथ पर्पल, सब सैकुलेंट की वैरायटियां हैं। ये एडेनियम की सीडलिंग तैयार हो रहा है सबके। ये टावर बनाया सर, लगभग 3 फीट इसकी हाइट है इस समय। ये सब क्राफ्ट करके सर ने रखा हुआ है।
और यहाँ पे कुछ सीडलिंग है। ये प्लूमेरिया का ग्राफ्टिंग सर ने किया है। ये प्लांट पे 3 वैरायटी की ग्राफ्टिंग हुई है इसमें। एक ही प्लांट पे 3 वैरायटियों का ग्राफ्टिंग है प्लूमेरिया में। ये सब सेल के लिए सर ने रखा हुआ है तैयार पौधे। ये हमारे मैक्स सर हैं। नमस्कार, मनोज जी का स्वागत है फ्रैंक बॉटनिकल्स के इस रूफटॉप गार्डन में। और इन्होंने बहुत से वैरायटी को देखा है यहाँ पर और बड़े प्रोत्साहित हुए हैं और भविष्य में अपने ही अपने गार्डन को भी इस तरह से पारासाइडेनियम को भी इसी तरह से डेवलप करेंगे और हमारी शुभकामना इनके साथ है। और ये मेरा एक छोटा सा काम है यहाँ पे जहाँ पे मैं करता हूँ और ये पूरा मेरा गार्डन अडेनियम पे ही बेस्ड है। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। यहाँ सारे बाहर के वैरायटी हैं और देख सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से अडेनियम को डेवलप किया जाता है, चाहे हैंड पॉलिनेशन हो, चाहे ग्राफ्टिंग हो, चाहे सीड ग्रोन हो, यहाँ सभी वैरायटी आपको प्राप्त हो सकती हैं। धन्यवाद।